नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। रांची के करम टोली स्थित प्रेस क्लब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा निश्चय पत्र जारी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती है कि झारखंडियों को राज्य बनने के 19 वर्ष बाद भी अपने अधिकार नहीं मिले। हमने नए झारखंड के द्वारा दस्तावेज में झारखंड के विभिन्न वर्गों, समुदायों एवं धर्मों के लोगों को वो अधिकार जो उन्हें नहीं मिले, जिनसे उन्हें वंचित रखा गया, उसकी रूपरेखा अपने इस दस्तावेज में प्रस्तुत करते हुए उसे पूरा करने का वचन देते हैं। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सबों को रोजगार, महिलाओं को अधिकार एवं झारखंडियों को व्यवस्था से उचित हिस्सेदारी देना शामिल है। झारखंड प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन भी हमारी प्राथमिकता में शामिल होगा। हमारे इस दृष्टि दस्तावेज के महत्वपूर्ण निम्नलिखित बिंदु हैं: पलामू, चाईबासा एवं हजारीबाग के उपराजधानी बनाना। को लेकर हमारे दिमाग में पहले से भी कई चीजें, मुझे पता था ये सवाल आप, अब सरकार बनने तो दीजिए, कहां से आएगा सरकार की जिम्मेवारी। लोगों का समर्थन बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने, तो ये आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। आज के इनको लोकतंत्र का ना लिहाज है, ना सम्मान है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। सर, एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग गुरुजी को शुरू से देखते आ रहे हैं, हम लोगों के लिए तो आइडल है। सर, चेयरमैन को सर हमेशा से टैग लगा है कि ये आदिवासी के लिए पार्टी जानी जाती है, और क्योंकि पूरे मैनिफेस्टो में आपने एक जगह पॉइंट लिखा है सवर्ण, सुना हो तो हमने कई ऐसी चीजें इस राज्य के सभी वर्गों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, सबके लिए उसको हम लोगों को, इसमें कोई जाति धर्म उसका कोई ये नहीं रहे, आधार नहीं रहे। मदन जी, आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस आज यहाँ उपस्थित माननीय केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड के प्रतीक पुरुष दिशम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों की आशाओं के प्रतीक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के वरिष्ठ नेता जेमन के साथ पाइल बनाना क्या कौन लोग बोलते हैं? अच्छा, बीजेपी, बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं चाहे हम जीते या हारे, सरकार तो हम ही बनाए। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा इस देश में नई राजनीति का इतिहास करने जा रही है। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि देश के अंदर या इतिहास ये जो कुछ घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुनहरे अक्षर से तो नहीं लिखा जा सकता, एक धब्बे के रूप में जरूर होगा।
हेमंत जी ठीक है सर भाई आयुष्मान हेलो आप जब गठबंधन में हैं तो सरकार स्वाभाविक रूप से गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार के माध्यम से चीजें आगे बढ़ेंगी। क्या होगा मैंने स्पष्ट किया नहीं हो रहा है 1932 का अभियान आधार होगा या क्या आधार होगा ये तो बात सच है कि मौजूदा स्थानीय नीति झारखंडी विरोधी है और इसे कहां तक बदलने की आवश्यकता है वहां तक बदले मतलब 1932 का खदियान आधार रहेगा या वो इस राज्य के लोगों की जनभावनाओं के साथ और उनके भावनाओं को देखकर स्थानीय नीति निकाल आगे का मॉडल जिन जो छूटे हुए हैं आज इस पर कार्य नहीं हुआ है उस पर कार्रवाई होगी और इंतजार करें।